हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में घनीय क्रिस्टल का घनत्व डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में डिस्कस किया था। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 1.5, उसको पढ़ा था और एक न्यूमेरिकल पर हमने डिस्कस किया था, उसको सॉल्व किया था। तो फ्रेंड, आज भी हमें उसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को करना है, जिनमें से एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं और बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा कि आप उसको ट्राई करना। ओके, आइए शुरू करते हैं इस वीडियोस को। देखिए क्वेश्चंस क्या है, पढ़ लेते हैं। कॉपर एफसीसी, एफसीसी बोले तो फेस सेंट्रिक क्यूबिक जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। क्लियर। ये दर्शाइए कि गणना किया गया घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 में समानता है। तो फ्रेंड, आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है और इस न्यूमेरिकल में मैं आपको बता भी दूं, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ऑलरेडी मौजूद है। ये मैंने वहां से इस न्यूमेरिकल को लिया है और ये इस न्यूमेरिकल को लेकर मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूं, और बाकी जो दो न्यूमेरिकल हैं वो आपको मैं ट्राई करने के लिए दूंगा, वो उसको आप ट्राई करना। इस बिल्कुल सेम इससे रिलेटेड होंगे। तो फ्रेंड, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कॉपर एफसीसी जालक रूप में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोर की लंबाई जो है वो 3.61 × 10⁸ सेंटीमीटर है। तो आपको ये दर्शाना है कि गणना कैलकुलेशन करने के बाद जो आपकी डेंसिटी आती है, और मापे गए डेंसिटी मतलब जो 8.92 ग्राम सेंटीमीटर −3 में समानता रखती है या नहीं रखती है, मतलब जो आप कैलकुलेशन करके डेंसिटी को प्राप्त करेंगे तो उसकी जो वैल्यूज होगी, उस वैल्यू और जो मापी गई डेंसिटी में समानता है या नहीं है, ये आपको दर्शाना है। तो चलिए सॉल्यूशन तरफ चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन में लिखा है रो और डी, मतलब रो या डी। कहने का मतलब यह है कि हम डेंसिटी को, क्रिस्टल की डेंसिटी को, घने क्रिस्टल की डेंसिटी को रो या डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो रो या डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की पावर 3 × NA। अब फ्रेंड, इसमें जेड क्या है यह हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी आपको बता देते हैं एक बार। जेड जो है वो प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है, कि अगर आपका क्यूबिक SC है तो वहां पर जेड की वैल्यू 1 होगी, BCC है तो 2 होगी और FCC है तो 4 होगी। ये आपको याद रखना है, हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। क्लियर। अब देखिए यहां पर जो M है, ये M आपका परमाणु भार, सूत्र भार, या आप कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास है। क्लियर। A जो है वो इकाई सेल के कोर की लंबाई है, जो आपका एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल है, एकक सेल है, तो उसके कोर की क्या है, लंबाई है। और जो यहां पर हमने लिखा है a³, तो a³ है वो एकक सेल का आयतन है, यूनिट सेल का वॉल्यूम है। और NA जो है फ्रेंड, ये आप जानते हैं, इसको हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.023 × 10⁰³ होता है। क्लियर। तो यहां पर आपने जो फॉर्मूले में ये वैल्यू जो है इनके बारे में आपने जान लिया, समझ लिया। अब देखिए, अभी हम इनकी वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है ये हम ज्ञात करना शुरू करते हैं। देखिए जेड की वैल्यू 4, अब जेड की वैल्यू 4 कैसे आएगी, अभी हमने बताया कि भाई कॉपर जो है, कॉपर एफसीसी जालक के रूप में क्या होता है, क्रिस्टलाइज्ड होता है,
तो एफ सी सी के लिए जो होगी जेड का वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अगर बी सी सी होता तो 2 होती और एस सी होता तो 1 होती। क्लियर। अब देखिए कॉपर का परमाणु भार, जो कॉपर का एटॉमिक वेट है, तो वो एम, हम एम से डिनोट करते हैं, वो होता है 63.5 ग्राम मोल इनवर्स होता है। अब देखिए कोर की लंबाई मतलब एज लेंथ जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यूज आपको दे रखी है 3.61 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। और अब आता है आपका एन ए, जिसको हम कहते हैं अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻²। अब देखिए यहां पर आप देखिए, आपको Z का मान पता चला 4 है, आपको M का मान पता चला, आपको इसका मान भी पता चला, कोर है ना, तो उसकी जो आपकी कोर की लंबाई है, इसकी जो होल क्यूब कर देंगे हम, इसका मान भी आपको पता ही चल गया है, और एन ए का मान भी आपको वैल्यूज आपको पता चल गई। अब जब सब वैल्यूज आपको पता चल गई हैं और हमें क्या करना है, डेंसिटी को निकालना है। हमको करना है डेंसिटी मतलब घनत्व को यहां से निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो अब इन सब वैल्यूज को हम जो है अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है, आगे चले। चलिए फिर आगे, अब देखिए Z की वैल्यू कितनी थी 4 रख दी, M की वैल्यू कितनी थी 63.5। क्लियर। और हमारी जो कोर लंबाई थी मतलब उसका वॉल्यूम, तो क्या करेंगे हम, उसकी क्यूब कर देंगे ना, कोर की लंबाई क्यूब कर देंगे, उसका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक का, तो 3.61 × 10⁻¹ की होल क्यूब इंटू एन ए की वैल्यू हमने यहां से रखी, क्या है ये 6.023 × 10⁻²। तो फ्रेंड इतना समझ में आया। अब देखिए हम इसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हैं ध्यान से। देखिए हमारे 4 × 63.5 था और ये आपकी वॉल्यूम था, ये एवोगाड्रो नंबर थी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। हमने ऊपर आपस में कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, इससे हमारी वैल्यू आ गई 254 मतलब 254 आ जाती है। अब देखिए हम इस वाली ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो ये ऐसे कर देंगे इसको 3.61 × 10⁻²⁸ × 2। क्लियर। अब ये जो होंगे आपस में क्या हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये तो आपका ऐसी का ऐसी रहेगा। क्लियर। अब देखिए जब हमने इसका क्यूब करा तो वो आ जाता है 47.05। क्लियर। और फिर इंटू ये तो हो गया 8 × 24 × 10⁻²⁴ × 6.023 × 10⁻²³। क्लियर। अब हमने आगे क्या करा, आगे देखिए हमने इसको ऐसा सॉल्यूशन करा है, समझ लीजिए ध्यान से, कि हमने जो थी पावर, जो अपनी ये थी ये वाली वैल्यूज, और इनको हमने क्या कर दिया आपस में इनको ऐड करा, तो ये थी आपकी माइनस की 10⁻²⁴ और ये थी आपकी प्लस की, तो +23। क्लियर, +23। तो आप इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल एकदम कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड हमने इस तरह से इसमें यहां पर डायरेक्टली लिख दिया था, तो आप देखिए यहां पर 10⁻²⁴ +23 है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां पर इनमें ये घट जाएंगे, घटने के बाद कितना आ जाएगा 10⁻²⁹ आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब यहां पर हमने क्या करा, 254 की को हमने क्या कर दिया 47.05 से डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड कर तो हमारा कितना आ गया 5.4। अब देखिए बचता है आपका 6.23। तो मैंने आपको बताया था, तुम इसकी रिजल्ट हमेशा याद रखो, यहां पर जो होगा मल्टीप्लाई में हमेशा 1 रहेगा, वो तो मल्टीप्लाई में क्या रहेगा फ्रेंड, 1 तो रहेगा ही रहेगा इंटू 1, तो यहां 1 upon 6.023 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.166। ये आप याद रखो, ये आप तुम्हें आगे न्यूमेरिकल में भी काम देंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ऐसे ही बताया था कि आप जो एवोगाड्रो की जो नंबर है 6.023, इसे 1 upon करके याद रखो, तो 1 upon 6
0.023 का जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी उसकी, 0.166। क्लियर। अब यहां से जो घटने का बाद कितना बचता है, 10^-1। आपस में आपने ऊपर में क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, कितना रिजल्ट आ जाता है फ्रेंड, आ जाता है 0.896। ये जो आपका 10^-1 था ऊपर चला जाएगा, तो इस जब ऊपर जाएगा तो आपस में क्या हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर जाके कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर। इसमें आपस में क्या कर दी फ्रेंड, आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आपका रिजल्ट आ जाता है 8.96 ग्राम सेंटीमीटर^-3। क्लियर। तो डेंसिटी आपकी कितनी निकल कर आई, इतनी निकल कर आई। अब देखिए हमने क्या लिखा है इसके लास्ट में, अतः ऊपर गणना किया गया घनत्व का मान लगभग मापे गए घनत्व के मान 8.92 ग्राम सेंटीमीटर^-3 के समान है। क्लियर। तो आपने जो मापा था उसका कितनी आया मान, 8.96, और जो आपको दिया था उसका मान कितना था, 8.992। तो लगभग क्या है इसके, समान है। तो फ्रेंड ये था आपका न्यूमेरिकल जो आपकी आंसर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपको दे रखा है। अब देखिए दो न्यूमेरिकल मैं आपको ट्राई के लिए दे रहा हूं, उसे आप ट्राई करना, सेम ऐसे ही होंगे जैसे ये मैंने कराया है। क्लियर। देखिए वो दो न्यूमेरिकल आपके लिए ये हैं। नंबर एक है NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 × 10^-21। यहां पर आयतन दे रखा मतलब ए की क्यूब, ए की मतलब ए की पावर थ्री, डायरेक्ट मान लगाना यहां पर आप, सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल की घनत्व की गणना कीजिए, यहां पर जो है आपको NaCl की सेल की क्या करना है, डेंसिटी को ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखिए यहां पर जो NaCl है, NaCl जो होता है वो FCC होता है, तो उसके लिए Z का जो मान आएगा वो कितना होगा, 4 होगा। क्लियर। तो इसका आंसर जो आना है 0.193 ग्राम पर सेंटीमीटर^3, ये इसका रिजल्ट आना है। सही है। अब जो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, NaCl के एकक सेल का आयतन 1, देखो यहां भी आपको आयतन दे दिया, यहां पर भी आपको ए की पावर 3 की जगह इसकी वैल्यू फिट कर देनी है फौरन, 1.81 × 10^-22 cm³ है। NaCl के एकक सेल की घनत्व की गणना करो, तो यहां भी आपको करनी है फ्रेंड, डेंसिटी की ही क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, उसकी गणना करनी है। आप जानते हो जो Na है उसका परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो होता है 23 होता है, और Cl का जो होता है वो 35.5 होता है। तो आपको पूरे NaCl का मोलर मास मतलब M निकालना होगा, तो NaCl का आप क्या कर दोगे, 23 + 35.5 = आप यहां पर लिख दोगे कितना आ जाएगा, 58.5 इसका मोलर मास होगा। तो फ्रेंड आपको सेम टू सेम इसी के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल करना है। अब मैंने रिजल्ट दोनों को बता दी, इसका आंसर 2.14 ग्राम पर सेंटीमीटर^3 इसका आंसर आना है, और इसका आंसर ये है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में।